इस वक्त हम पटना में डाक बंगला चौराहा पर हैं। यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, देखिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर जो अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर जोरदार हंगामा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई महीनों से इन लोगों का प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन इन लोगों की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है। आज पटना के डाक बंगला चौराहा पर भारी संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर वो लोग जुटे हुए हैं। इन लोगों की मांग है कि जो सातवें चरण की प्राथमिक शिक्षकों की बहाली है वो तुरंत किया जाए, नोटिफिकेशन जो है तुरंत निकाला जाए। अब देखिए भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है, कोई हिंसा न भड़क जाए उसी को लेकर पुलिस भी जो है पूरी तरह से चौकस है। यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर आपको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग पूरी हो, उनकी मांग पूरी हो, यह बार बार वो इसका नारा लगा रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं, लेकिन इन लोगों की बात जो है मानी नहीं जा रही है। लगातार इन लोगों की अनदेखी हो रही है। पिछले महीने की बात है, जो शिक्षा मंत्री थे एनडीए सरकार में विजय चौधरी जेडीयू कोटे के, उन्होंने कहा था कि छठे चरण का काम जल्द पूरा हो जाएगा, उसके बाद सातवें चरण की बहाली होगी, लेकिन छठे चरण का भी काम जो है अब तक पूरा नहीं हुआ है। ये लोग जो हैं 3 साल पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं, 2019 के ये लोग हैं, तब से इन लोग की जो बहाली की जो सिस्टम है वो अब तक जो है शुरू नहीं हुआ। यहाँ देखिए अलग अलग जगह से लोग आए, सीटेट बीटेट उत्तीर्ण शिक्षक संघ वाले हैं, साफ उनका मांग देखिए अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। सातवां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करें, हमें आश्वासन नहीं, नोटिफिकेशन चाहिए, नई सरकार में शिक्षक बहाली की प्राथमिकता, शिक्षक बहाली को प्राथमिकता दी जाए, महिलाओं के अनुपस्थिति में उसी कोटे के पूर्व अभ्यर्थियों की बहाली का मौका दिया जाए। ये सब सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं, लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम लोग उन लोग से बात करते हैं, एक मिनट। सातवें चरण की बहाली जी, सातवां चरण प्राइमरी बहाली की मांग है 1-8 का सर। मांग तो पूरा नहीं हो रहा है, कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं जी हम लोग, लगभग आज 22 दिन हो गया, और इससे पहले हम लोग 21 दिन किए थे, तो उसमें हम लोग को प्री शेड्यूल मिला था कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में नोटिफिकेशन दिया जाएगा। जुलाई बीत गया, अब अगस्त बीतने को है और हम लोग का नोटिफिकेशन सर नहीं आ रहा है। हम लोग काफी परेशान और काफी टेंशन में जी रहे हैं, समाज में प्रताड़ित हो रहे हैं। और शिक्षा मंत्री सिर्फ झूठा आश्वासन देते रहते हैं हर हमेशा, और हमारे नए शिक्षा मंत्री को ये भी नहीं पता है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो गया हुआ है। वो बोलते हैं कि चाइना से ये सब कुछ नहीं जाएगा सबको। हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनको भी नहीं पता है कि डोमिसाइल नीति लागू हो गया है बिहार में, डोमिसाइल लागू। ये बताइए, तेजस्वी यादव वादा किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे, बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन हुई तो नहीं। हमें कहते हुए बहुत खेद हो रहा है कि तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से और हर सभा में संबोधन में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख सरकारी नौकरी, और हाल ही में नीतीश कुमार 15 अगस्त पर गांधी मैदान में संबोधन में उन्होंने स्पष्ट कहा कि 10 लाख सरकारी और 10 लाख हम रोजगार देंगे। अतः हम शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे, आप जल्द से जल्द प्राथमिक विज्ञप्ति हमें दें, क्योंकि 1.5 लाख रिक्ति विभाग के द्वारा सभी डीओ से, सभी जिला के जिलाधिकारियों से मंगाया जा चुका है, उसमें कुछ नहीं बाकी है, सिर्फ निर्देश होगा, सरकार का निर्देश और शिक्षा विभाग रेडी है। देखिए तेजस्वी यादव कहे थे कि बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी मेरे पहले कैबिनेट बैठक के बाद, तो लग रहा है कि महागठबंधन सरकार भी धोखा कर रही है। नहीं बिल्कुल, देखिए चुनाव के समय जो है हम लोग से बेरोजगार अभ्यर्थी से कहा गया था कि जो है मैं अगर सरकार में आऊंगा तो पहली कलम से, पहली बैठक में आप लोगों को रोजगार देने का काम करूंगा, लेकिन तेजस्वी यादव जब सरकार में आए हैं तो वो भी भाजपा की तरह धोखेदारी देने का काम कर रहे हैं। इसी वजह से हम बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी आज सड़क पर उतरने का काम किए हैं। अगर तेजस्वी चाहते हैं कि वो फिर से सत्ता में आए और नीतीश मुख्यमंत्री बने तो हम लोगों को रोजगार दे, नहीं तो अगली बार उसे वोट नहीं देंगे। देखिए तेजस्वी, ये दुर्भाग्य बिहार का कि जिस बिहार में 4 दिन में सरकार बदल जाती है फिर सरकार बन जाती है, उस सरकार में 2.5 साल 3 साल में आज तक बहाली नहीं हुई है, और जैसी सरकार बीजेपी की थी उसी सरकार पहले हम लोग उम्मीद की तेजस्वी यादव देंगे बहाली, लेकिन ये भी पलट गया। महागठबंधन सरकार पे लोग गुस्सा उतार रहे हैं कि तेजस्वी यादव वादा किए थे लेकिन नहीं कर रहे। तेजस्वी यादव ने 2 बैठक कर चुके हैं, 2 कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक 10 लाख नौकरी की, अभी 10 लाख नौकरी की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। झूठी सरकार है, दगाबाज सरकार है। शिक्षा मंत्री जी सिर्फ हम लोग को बिना 3 सालों से आश्वासन दिए हैं सर, तारीख पर तारीख दिए हैं, मगर अभी तक हम लोग का नोटिफिकेशन नहीं। सर 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 देखिए, जब इनका 1 मिनट में सरकार बदलती है तो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज विज्ञप्ति उनको देना होगा, नहीं देंगे हम लोग, नहीं जाएंगे हम लोग यही पे रहेंगे आज, हम लोग यही पे मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। देखिए ये लोग जो है 3 साल पहले 2019 में ही क्वालिफाई कर गए, लेकिन बहाली शुरू नहीं हुई है,
लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी की जब सरकार आई, महागठबंधन सरकार आई, तो हम लोग को उम्मीद था कि हम लोग की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने वादा किया था, लेकिन पहला कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गया, लेकिन हम लोग की बहाली की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई। तो लोग में जो शिक्षक अभ्यर्थी है, काफी रोष इन लोग में यहाँ देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।